ओके बेटा, तो आज की क्लास के अंदर हम कवर करते हैं आई फ्रेम टैग, और इसी आई फ्रेम को यूज करके कुछ चीजें हम जो है वो कवर कर लेते हैं कि इसको जो है यूज क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो बेटा हमारे पास आई फ्रेम एज अ जितनी भी नंबर ऑफ एपीआईज या थर्ड पार्टीज होती है उनमें आपका काम कर रहा होता है। अभी कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे पहले वीडियो कैसे एम्बेड करते हैं यूट्यूब का, आपने सुना है ना, हम यूट्यूब के वीडियोज डिफरेंट वेबसाइट्स पे देख रहे होते हैं, सही है। एक तो हमारा होता है कि हम किसी भी वेबसाइट का डेटा स्क्रैप करके वो शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेब स्क्रैपिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम कंटेंट को दूसरी वेबसाइट से उठा सकते हैं और किसी और वेबसाइट पे डिस्प्ले कर सकते हैं। एक तरीका तो ये, सही है। या आप ऐसा समझो बेटा, सिंपल वर्ड्स में डेटा है यूट्यूब की वेबसाइट का, वीडियो वहीं पे अपलोडेड है। अगर आप जैसे हम यूट्यूब का वीडियो अपलोड करते हैं और वही वीडियो अगर मेरी कोई वेबसाइट है वहां पे भी मैं क्या करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे? क्या उस वेबसाइट पे अलग से अपलोड करेंगे? नहीं, जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है वही वीडियो मेरी वेबसाइट पे भी चलेगा। अब इसका फायदा ये होगा, अपलोड मैंने यूट्यूब पे ही किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, लेकिन वो मेरी वेबसाइट पे भी दिखेगा, सही है। लेकिन जब मेरी वेबसाइट पे भी यूजर वो वीडियो देखेगा वो भी ऐसे ही होगा कि वो यूट्यूब से चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी को एम्बेड कहा जाता है, या किसी भी तरह की कंटेंट जिसको एम्बेड किया जाता है इसके पीछे कुछ थर्ड पार्टीज होती हैं जो सपोर्ट कर रही होती है उसको, बिल्ट इन एपीआईज होती हैं एचटीएमएल की जो इसी तरह के कंटेंट को सपोर्ट कर रही होती है, सही है। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो सबसे पहले अगर मैं YouTube की वेबसाइट पे जाता हूं बेटा, और वहां से जाके कोई भी किसी भी तरह का वीडियो मैं वहां से उठा लेता हूं, यहां जाते हैं और यहां पे आके अगर आप सर्च करते हो, चलिए डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स और इसी तरह की कोई चीज है, हम देख लेते हैं क्या ये YouTube.com। ओके, ये ऑन हो जाए। ओके, अब फॉर एग्जांपल यहां से कोई भी वीडियो हम चलाते हैं, अब मैं चाहता हूं ये वाला वीडियो मुझे क्या करना है, एम्बेड करना है अपने वेब पेज के अंदर, सही है। अब आप बोलोगे सर वीडियो तो यहां यूट्यूब पे अपलोडेड है या यूट्यूब की वेबसाइट पे है, और इस वीडियो को अगर मैं अपने वेब पेज में इंसर्ट करूंगा तो कोई ये चलेगा या नहीं? तो बेटा ये चल जाता है। कैसे चलेगा देखे, एक तो होता है आप एंकर टैग के थ्रू लिंक देते हैं जिससे जंप करके उसी यूट्यूब के वीडियो पे जाते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा है कि आप यूट्यूब के वीडियो को अपने पास उस वेब पेज पे क्या कर दे, इंक्लूड कर दे, एम्बेड कर दे। इसका तरीका क्या है कि अगर आप इस वीडियो को अपने वेब पेज पे इंसर्ट करना चाहते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पे शेयर पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? शेयर। फिर यहां पे देखें बता रहा है ना कहां शेयर करना है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, या किसी को ईमेल करनी है, या एक और ऑप्शन यहां पे आपको मिलेगा एम्बेड, शो रहा एम्बेड, एम्बेड पे क्लिक करोगे तो आपको ये क्या बना के दे रहा है, एक आई फ्रेम दे रहा है, कौन सा क्लियर हो रहा है बेटा। तो आई फ्रेम का टैग एक्चुअल में जब आप कोई चीज एम्बेड वगैरह करते हो उसके लिए काम आ रहा होता है, सही है। यानी अगर हमें कोई गूगल का मैप या आपका यूट्यूब का वीडियो या कोई ऐसी चीज जो आपको क्या करनी है बेटा, एम्बेड करनी है, तो उसके लिए आई फ्रेम का हम यूज कर रहे होते हैं। सपोज ये वाला वीडियो मुझे क्या करना है, एम्बेड करना है, या अपने वेब पेज पे क्या करना है, इंक्लूड करना है, तो मैं क्या करूंगा इसका ये एम्बेड पे क्लिक करने के बाद कॉपी कर लूंगा। अभी बोला है कि अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट बता दें कि वहां से वीडियो कहां से शुरू हो जाए, बाय डिफॉल्ट होता है ना, वीडियो के अंदर एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ 1 घंटे का या आधे घंटे का, लेकिन आपको पता है जो आप चीज चाह रहे हैं यूजर को दिखाना वो 15 मिनट के बाद है, तो यहां पे आप बताएंगे स्टार्ट की पॉइंट, कौन सा क्लियर हो गया कि वीडियो कहां से चलना शुरू हो जाए। वैसे वो पीछे जाके भी वहां पे भी चला सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है, सही है। तो मैं यहां पे इसको क्या कर दूंगा, आप यहां पे आके देखें आप इसको क्या कर लेंगे। अभी बोला है शो और प्लेयर जो कंट्रोल्स हैं, कि हमारे जो होता है ना कि वीडियो को ऑन करना, स्टॉप करना होता है,
ये कंट्रोल भी दिखाना है, तो इस पे यहां पे क्या लगा हुआ है, यस आप वो कंट्रोल भी दिखाएंगे। उसके अलावा एक एनहेंसमेंट आपका क्या है, एक मूड है, अगर आप इसको भी इनेबल करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। और यहां में देखो एपीआई का रेफरेंस पूछ रहा है कि आपको ऐड करना है व्हाट्सएप के लिए, तो हम इसको कह रहे हैं अभी कोई रेफरेंस ऐड करने की जरूरत नहीं, अभी क्या करना है इसको कॉपी करना है और कहां मेरे वेब पेज के ऊपर इसको जाके इंक्लूड करना है। लेकिन बेसिक सिंटैक्स पहले एचटीएमएल 5 का दे देते हैं और बॉडी टैग के अंदर जाके आप इसको पेस्ट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। अब इसमें देखें क्या है, आई फ्रेम की विड्थ कितनी है, ये बाय डिफॉल्ट विड्थ है जो आपको शो कर रहा है। इसकी विड्थ कितनी है 560, हाइट है 315 और आपका सोर्स क्या है देखें, यूट्यूब की वीडियो जो यहां पे आपकी इंक्लूड हो जाएगी। टाइटल क्या है, ये सही है। इसी तरह यहां पे आ जाए कुछ और चीजें भी है जो आपकी यहां पे इंक्लूडेड है, वो जो कंट्रोल्स वगैरह चीजें थी वो आपकी यहां पे इंक्लूडेड होंगी और ये फुल स्क्रीन पे भी अलाउ किया हुआ है। चलें जी सेव करते हैं बेटा इसको, अब चलाते हैं डिफॉल्ट वेब ब्राउजर के ऊपर। यहां पे ओपन इन डिफॉल्ट वेब ब्राउजर, तो हमारा पेज है iframe.html। अब देख लेते हैं कौन से वेब ब्राउजर पे इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है बेटा, अब देखें इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, अब आपके पास वो YouTube का वीडियो क्या हो चुका है, इंक्लूड हो चुका है। लेकिन जब आप इसको चलाएंगे तो इसकी इस वीडियो की सपोर्ट कहां से मिलेगी, YouTube से ही मिलेगी, तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। सही है, जब भी आप क्या करेंगे अपने वेब पेज पे ही भले इंक्लूड करने के बाद क्या, क्योंकि आपने वीडियो डाउनलोड करके यहां पे अपलोड नहीं किया है। सही है, ये वीडियो है YouTube का ही लेकिन अपने वेब पेज पे आप दिखा रहे हो, तो ये जो बैकएंड सपोर्ट होती है ये एपीआई कर रही होती है। कौन सपोर्ट कर रही होती है, एपीआई। ये एपीआई एक्चुअल में हमारे पास है क्या, देख लेते हैं एक मिनट, मैं आपको समझा देता हूं एपीआई क्या होती है। तो आईफ्रेम टैग आपके पास वीडियोस एम्बेड करवाने के लिए या आपके मैप एम्बेड करवाने के लिए या कोई और वेबसाइट पूरी भी एम्बेड हमारी हो सकती है, वेब पेज हो सकता है, लेकिन हमारे पास एपीआई का काम होता है। एपीआई क्या करती है, देखें YouTube का वीडियो है आपके वेबसाइट पे चल रहा है ना, सपोज आपकी साइट है site.com whatever। अब आपके पास ये जो डेमो साइट आपकी है इस पे आपका किसका वीडियो चल रहा है बेटा, YouTube की वेबसाइट का वीडियो। तो YouTube की वेबसाइट का कंटेंट आपके पास कैसे सपोर्ट कर रहा है, तो बैकएंड पे कुछ थर्ड पार्टीज होती हैं जिसकी बदौलत आपका क्या हो रहा होता है, ये इसकी सपोर्ट हमारे पास शो हो रही होती है। ये काम होता है किसका, एपीआई का। कौन सा क्लियर हो गया, एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कौन सा क्लियर है, सही है। ये ऐसा समझो कि हमारे पास ये जो आपी आपने लिखी है इसका काम ये है कि हमारे पास इसका सिंपल सा, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं बेटा कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी चीज वॉट एवर आप टेबल पे जाके किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं, हर वो चीज कौन लाता है वहां पे, वेटर। लेकिन चीजें जो वो कुक होती हैं कहां होती है, किचन में। कौन सा क्लियर हो गया, तो वहां पे कंटेंट या आप समझ लो रेस्टोरेंट के अंदर स्पेसिफिक डिशेस बनती कहां पे है, किचन में। लाने वाला कौन है, वेटर। कहां पे, आपकी टेबल पे। तो यहां पे टेबल आपकी वेबसाइट है जहां पे वो वीडियो दिखाना है। वीडियो है किसका, YouTube का, क्योंकि वीडियो अपलोड तो वहां हुआ है ना, या वो डिश कहां आपकी बनी है, YouTube के पास। लेकिन वो डिस्प्ले कहां हो रही है, यहां पे। ला कौन रहा है, तो API is like a waiter। कौन सा क्लियर हो गया, जो एज अ सर्विस देता है और आपके यही सर्विस चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो एपीआई हमारे पास लाइक अ सर्विस होती है जो किसी भी दूसरी वेबसाइट का डेटा आपके पास शो कर रही होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। और एपीआई सिर्फ वेबसाइट्स के लिए नहीं होती, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी होती है और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए भी होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम तीनों तरह की एप्लीकेशन में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप टू वेबसाइट, वेबसाइट टू
मोबाइल एप्लीकेशन और इस तरह की जो आपकी एपीआई का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में काम ही इसी तरह के चीजों पे कर रहा होता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास यही जो आईफ्रेम का टैग है, इसका काम है सिर्फ वो कंटेंट एम्बेड करना। सपोर्ट कौन दे रहा? एपीआई दे रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? राइट। आईफ्रेम एक टैग है एचटीएमएल का, जिसका काम सिर्फ क्या है, उस वीडियो को एम्बेड करना या इंक्लूड करना। अब यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आप किसी भी YouTube के वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं। अब इसकी विड्थ और हाइट आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूं 100%। जैसे ही आप 100% करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बेटा, पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। श्योर है? इसी तरह इसकी आप हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू डिफाइन इट्स हाइट एज वेल, 315 है। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ 450 पिक्सल। सेव इट, एग्जीक्यूट इट। हियर यू गो बेटा, आप देख सकते हो यहां पे हमारे पास इसकी हाइट कितनी है, बढ़ चुकी है ना। तो अपनी मर्जी से उसकी विड्थ हाइट देके जैसे चाहो आप उसको रख सकते हो। अच्छा, इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें आप फॉर एग्जांपल कुछ और भी इसके एट्रीब्यूट हैं जो आप दे सकते हैं। अब कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं यहां पे देखें, बहुत सारे आपके एट्रीब्यूट हैं जो आपको शो होते हैं। मैं इसको कहता हूं स्क्रॉल के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट होता है। चले मैं देख लेता हूं ये काम कर रहा है। राइट। अच्छा, मेरा कहने का मकसद है, चलें एक प्रॉपर्टी में बाद में समझा देता हूं। अच्छा, अब देखें होता ये बेटा, हमारे पास अभी इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्क्रॉल आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो होता है ना, आप स्क्रॉल करके किसी चीज को करते हैं टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, तो वो भी आप अलाउ कर सकते हैं इसको। कौन से क्लियर हो गया? तो अभी के लिए इतना है कि हमने वीडियो को किस तरह एम्बेड किया। इसी तरह आपने देखा होगा बहुत सारी समझ लें हमारी क्या होती है, वेबसाइट्स होती हैं जिन पे गूगल मैप दिख रहा होता है। दिख रहा होता है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स से क्या कोई चीज ऑर्डर करते हैं, या आपने बहुत सारी जो आपकी वेबसाइट्स हैं उनकी एड्रेसेस देखी होंगी। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूं, आपने अगर ऑर्डर करना या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करते हैं डॉक्टर्स वगैरह की, किसी हॉस्पिटल की, या ऑनलाइन जो हमारी होती है वेबसाइट्स की बुकिंग होती है ना, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं डॉक्टर के साथ, ऑनलाइन होती है ना अपॉइंटमेंट, कि भाई ऑनलाइन आपने बुकिंग कर ली, बुकिंग या आप समझ लो कि आपने अपॉइंटमेंट कर ली, फिर आप दूसरे तीसरे दिन जाके उस डॉक्टर से मिल लेते हो, ऐसे ही है। या हमने कोई और इसी तरह की चीजें देखी होंगी, तो वहां पे क्या होता है, आपको एड्रेस के लिए वो गूगल मैप दे देते हैं कि अगर आपको हमारी उस हॉस्पिटल आना है तो आप इस मैप को फॉलो करके आ सकते हैं, ऐसे ही है ना। या कल को आप फॉर एग्जांपल बाटा वालों के लिए क्या बना देते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं। इसी तरह के जितने भी ब्रांड हैं जिनके लिए आप क्या बना देते हैं, जे डॉट है या आपके गुलाबमंद है, ये आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं कि हम एक वेबसाइट बना के दें। तो आप अपना आउटलेट कहां कहां है उनके एड्रेसेस तो दोगे ना, या गूगल मैप के थ्रू बता दोगे कि हैदराबाद के ऑटोबान रोड पे फिलहाल आपका जो है वो जो है क्या है एड्रेस है, तो गूगल मैप दे देते हैं मेजॉरिटी, ताकि आजकल ज्यादातर हम गूगल मैप को ही फॉलो कर रहे होते हैं, है ना। तो गूगल मैप भी आप अपने वेब पेज या अपनी वेबसाइट जब बनाओगे तो उसमें भी इंक्लूड कर सकते हो। वैसे गूगल मैप के कुछ चार्जेस होते हैं अगर आप उसको क्या खरीदते हो गूगल मैप को, वो अलग चीज है, लेकिन हाँ सर्विसेज उसकी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप उसकी एपीआई खरीदोगे ना, जब आप काम करते हो किसके साथ, मोबाइल या एंड्रॉइड डेवलपमेंट करोगे, तब उसके कुछ चार्जेस हैं। कौन से क्लियर हो गया? एसएमएस की एपीआई है या आपकी गूगल मैप की एपीआई है, तो उसके पहले चार्जेस होते हैं अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट में काम करते हो। यहां पर यह फ्री है कि आप सिर्फ उसको क्या कर देते हो, एम्बेड कर देते हो तो काम कर लेगा। अच्छा, अब मैं यहां पे आता हूं, वहां पे भी फ्री में कुछ सर्विसेज होती हैं, वो आपकी यूज होती हैं। वैसे अगर होता है ना कि फुल फीचर्स के साथ आपको कोई चीज एपीआई आपको खरीदनी पड़ती है, तो फिर आपको पे करना पड़ता है। अच्छा, अब आप यहां पे आके लिखते हो गूगल मैप, अब मैं यहां पे आके इस पर क्लिक कर देता हूं। ये ऑन हो जाए,
मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल हम को यहां पे कह देते हैं कि भाई गुल अहमद, सही, आप किसी भी तरह की एड्रेस, आप अपने घर का एड्रेस पे भी यहां पे तो ढूंढ सकते हैं ना बेटा, या ऐसी किसी स्कूल का आपको एड्रेस देना है, स्कूल के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो आपको स्कूल की वेबसाइट जो आप बनाएंगे वहां पे उस स्कूल का क्या देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा ना। तो आप बेशक एड्रेस यहीं से बताएंगे गूगल मैप से, ये होगा भी गूगल मैप पे ही, ऐसे इन्हीं की वेबसाइट पे होगा, लेकिन इसकी सर्विसेज कहां दिखेंगी, हमारे वेब पेज पे भी दिखेंगे। कौन सा क्लियर हो गया? बेशक गूगल मैप किसका है, गूगल वालों का है, लेकिन आप समझ लो उसकी सर्विसेज कहां आ रही है, वहां पे। अगर मैं इसका आइडिया दूं बेटा एपीआई का और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, एक एसी जो बनाने रिपेयरिंग वाले होते हैं, फ्रिज बनाने वाले होते हैं, रिपेयरिंग वाले होते हैं, इनका एक शॉप होता है जहां पे आप जाके उनसे उनको बुला के लाते हो, यही होता है ना, राइट। वो बैठता बंदा अपने शॉप पे, लेकिन अपनी सर्विसेज देने के लिए कहां जाता है, आके एसी ठीक करके अपने पैसे लेके चला जाता है। तो ये एज ए समझ लो सर्विस है, ये क्या है, एज ए सर्विस है। तो यहां पे वेबसाइट आपकी गूगल मैप की है, इसकी सर्विसेज हमारी कहां यूज हो रही है, हमारी वेबसाइट। कौन सा क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर पा रहे हैं। अच्छा जी, अब कुछ और लिख देते हैं, वरना माजी हॉस्पिटल भी होगा, वरना आ तो रही है यहाँ पे गोलामंद की टेक्सटाइल मिल से डॉल। चलो मैं यहाँ पे माजी हॉस्पिटल लिख देता हूँ, यहाँ पे ये हैदराबाद में करीब है। अगर आप माजी हॉस्पिटल के लिए क्या बना देते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो वो आप किस तरह से उनको एक्सेस करोगे? तो जाहिर है माजी हॉस्पिटल के लिए जो आप क्या बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, उनके वेबसाइट में माजी हॉस्पिटल का क्या दे देंगे, गूगल मैप दे देंगे, ताकि जो भी यूजर या जो भी फॉर एग्जाम्पल पेशेंट है या जो भी माजी हॉस्पिटल जाना चाहता है वो मैप को देख के आ सकता है। कौन सा क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, अब यहाँ पे आके आपको अगेन क्या मिलेगा, यहाँ पे आके अगर आप देखोगे, देखें गूगल मैप में सारी चीजें शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब आपको क्या करना है बेटा, ये शेयर का बटन शो हो रहा है अगेन, जैसे YouTube का वीडियो एम्बेड कर रहे थे वैसे यहाँ पे आप शेयर पे क्लिक करेंगे और आपसे क्या पूछ रहा है, आप लिंक शेयर करना चाहते हैं या एम्बेड करना चाहते हैं मैप को? तो हम क्या करना चाहते हैं, एम्बेड करना चाहते हैं ना, सही है, क्योंकि वो लिंक पे क्लिक करके वापस यहां ना आए, यही आपका गूगल मैप हमारी वेबसाइट पे दिखे, हम यही चाहते हैं ना, सही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ये HTML कॉपी कर लेंगे और वहां पे जाके आप क्या कर लेंगे, जहां दिल करे जैसे ही आपकी लोकेशन होगी वेब पेज के अंदर, जहां पे आपको इसको लेआउट में रखना है, क्या कर देंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और मैं अगर इसको आके यहाँ पे फिर से चलाता हूँ, वैसे चला हुआ ये डॉक्यूमेंट, रिफ्रेश कर देते हैं, तो इसी के नीचे आपको क्या शो हो जाएगा, देखें गूगल मैप भी शो हो रहा है, सही है बेटा। तो वेब पेज के अंदर मेजॉरिटी हम देख रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, डायरेक्शंस होता है ना, डायरेक्शंस का एक क्या दे देते हैं, नेविगेशन में आपको दिख रहा होता है डायरेक्शन, या कॉन्टेक्टस होता है, तो कॉन्टेक्टस में आप क्या दे रहे होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होती है, नंबर वगैरह भी दिया होता है, और ये आपकी लोकेशन भी होती है, सही है। तो इस तरह से चलें बेटा, ये हो गया आप किस तरह से आई फ्रेम का यूज करते हो, ये तो हो गया कि हमारे पास एम्बेड के लिए आई फ्रेम यूज होता है, लेकिन आपका यही आई फ्रेम किसी पूरी वेबसाइट को भी एम्बेड कर सकता है। कौन सा क्लियर हो गया? पूरी वेबसाइट को भी एम्बेड कर सकता है। कैसे करेगा, मैं यहां पे आता हूं, दूसरा वेब पेज बना देता हूं और यहां पे इसको कर देते हैं आई फ्रेम टू डॉट HTML, बेसिक सेंटेक्स दे देते हैं HTML5 का। अब मैं इसमें आके आई फ्रेम का टेक खुद बनाता हूं, सही है। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, सोर्स, कि आप जो चीज देना चाहते हैं उसका सोर्स, तो क्या दो उसका सोर्स। अब सोर्स को आपने किस तरह डिफाइन करना है, अच्छा जी यहां आ जाते हैं, वी हैव टू गो विथ। अब जैसे ये आप YouTube की वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, कोई और वेबसाइट, मैं यहां पे आके लिख देता हूं फॉर एग्जांपल softonic.com, जहां से आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह डाउनलोड करते हैं ना, इस तरह से। अब ये वेबसाइट में क्या करना चाहता हूँ, इंक्लूड करना चाहता हूँ, लाजमी नहीं है यही वेबसाइट हो,
सही है। तो इसको आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद क्या करना है, इसके सोर्स में पास करना है। कौन सा क्लियर है बेटा? अब पास करने के बाद, अच्छा एक चीज याद रहे, आई फ्रेम पेयर टैग है। आई फ्रेम क्या है? पेयर टैग है। इसके बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, यहां पे जैसे होता है ना एंकर टैग ओपन क्लोज, उसके बीच में आपको डेटा लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको क्लोज करना लाजमी है, लेकिन इन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के बीच में कुछ भी नहीं लिखना। ये आपको याद से जो है चीजें फॉलो करनी है। सेव कर दिया, आप इसको चला देते हैं और देखते हैं कि क्या वो वेबसाइट जो आपने अभी चलाई वो आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है नहीं। तो अभी देखें आपकी ये वेबसाइट इंक्लूड तो हो चुकी है, क्या ये चल रही है नहीं, तो देख लेते हैं इसको। iframe2 ओके, रुक जाए, स्पेस है iframe2.html। अच्छा अब ये आपको यहां पे शो क्यों नहीं कर रहा? ठीक है जी, कोई और वेबसाइट देख लेते हैं, क्योंकि देखिए कुछ होती है परमिशंस, ये पहले काम कर रहे थे लेकिन अभी शायद ये सपोर्ट नहीं है। चले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे आके कोई और वेबसाइट देख लेते हैं, एपटेक पाकिस्तान। इस वेबसाइट की यूआरएल उठाते हैं और यहां पे आके इंक्लूड कर देते हैं इसके सोर्स में। पेस्ट दिस और उसके बाद ही वेब पेज यहां चला देते हैं। iframe2 रिफ्रेश करते हैं। इसे यहां पे वेबसाइट ऑन हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं ये मेरे वेब पेज पे दिख रही है नहीं। अब ये आपको याद रखना है कि इंटरनेट होना चाहिए, जाहिर है आप किसी और वेबसाइट को इंक्लूड कर रहे हैं ना अपने वेब पेज पे, तो इसके लिए इंटरनेट का होना लाजमी है। अभी थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है और देख लेते हैं कब तक लोड होता है। ये यहां पर इंक्लूड हो चुकी है, श्योर है? सही है। अब ये देखो स्क्रोलिंग पॉइंट नजर आ रहा है, पूरी वेबसाइट इंक्लूड यहां पे हो चुकी है, लेकिन मैं आई फ्रेम की इसको बंद कर लेता हूं, ये जो चल रही है, विड्थ और हाइट बता देता हूं, यहां पे बता देता हूं विड्थ है इसकी फॉर एग्जांपल 100%, हाइट कर देते हैं इसकी 350 पिक्सल। सेव दिस, रिफ्रेश दिस, सो हियर वी गो, के यहां पे ये देखें अभी आई फ्रेम के अंदर पूरी वेबसाइट एपटेक पाकिस्तान की यहां पे शो हो रही है आपको। सही है बेटा? तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट को भी इंक्लूड कर सकते हैं या एम्बेड या इंक्लूड बातें की है। सही है, बाय यूजिंग आई फ्रेम टेग। कौन से क्लियर है यहां तक? और ये बैकएंड पे एपीआई का काम होता है कि वो किसी वेबसाइट का कॉन्टेंट आपके पास शो कर रहे होते हैं, लाइक वेटर मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोई चीज है जो ऑलरेडी अपलोडेड कहीं और है, डिस्प्ले आपके पास हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? इस तरह से आपने कुछ और चीजें भी देखी होंगी। वैसे ये कॉन्सेप्ट और भी है, इन फ्यूचर जब आप पढ़ोगे ना बेटा, इसको समझ लें कि क्या कहा जाता है, इसको एपीआई भी कहा जाता है, रेस्ट एपीआई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या हम अगर कहें तो इसको वेब सर्विसेस का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वेब सर्विसेज, कि आप किसी भी वेबसाइट का डेटा अपने पास शो करना चाहते हैं कर सकते हैं। कौन सा क्लियर हो गया? एक होता है वेब स्क्रैपिंग। क्या होता है वेब स्क्रैपिंग? आपको एमएस एक्सेल में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, आपको याद होगा हम एक्सेल में किसी वेबसाइट का डेटा इंक्लूड कर रहे थे, याद है आप लोगों को? तो इसी तरह से आप किसी दूसरी वेबसाइट का डेटा अपने पास क्या कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं। लाइक ट्विटर का डेटा अगर आपको उठाना है आप उठा सकते हैं, फेसबुक के कमेंट होते हैं ना सोशल मीडिया के, वो उठा सकते हैं। कौन सा क्लियर हो गया? या आपके जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, आप वो फॉर एग्जांपल आपको इंस्टाग्राम के वो यूजर चाहिए जो फॉर एग्जांपल किससे ब्लॉग करते हैं, जो ब्लॉग ये जो क्या कह रहे थे, वीलॉग बना रहे होते है ना,
ठीक है, या आप स्पेसिफिक कंटेंट, इसी स्पेसिफिक तरह के जो फॉलोअर हैं उनको क्या कर सकते हैं, कोडिंग के थ्रू या स्क्रैपिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनका डेटा उठा सकते हैं। आपके बिजनेस सारे चल रहे हैं ना बेटा, ये सारे बिजनेस जो कॉन्टेक्ट नंबर उठाते हैं, ईमेल एड्रेसेस आ जाती हैं आपको, कैसे, आपने कभी वहां से कोई खरीदारी तो की नहीं होती, तो आपको मैसेज कैसे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जे डॉट से आज तक कुछ नहीं खरीदा, तो जे डॉट के मैसेज मुझे क्यों आ रहे हैं। जाहिर है आप कोई चीज खरीदते हो, वहां पे आपकी रिसेप्ट बनती है, जैसे बाटा से अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो वो रिसेप्ट बनाते हैं, फोन नंबर लेते हैं, तो हम तो वही मना कर देते हैं कि भाई नहीं, कॉन्टेक्ट नहीं दे रहे आप, वरना मैसेजेस करोगे, होता है ना। इसी तरह से हमारे पास आपके अदर जो ब्रांड है उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन कैसे है, ईमेल है या फोन नंबर है, जिसके बदौलत आपको बार बार क्या आ रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई अब सेल लगी है, अब हमारा नया स्टोर ओपन हो रहा है ना। तो ये सारा डेटा, बीइंग ए प्रोग्रामर आप डेटा उठा सकते हैं। कौन सा क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, आप जो चीजें पसंद करते हैं ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लाइक वगैरह करते हो ना, तो जो आप लाइक वगैरह भी करते हैं वो नोट होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कि कौन से यूजर किस सिटी से किस तरह की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हीं को वो चीजें एज अ मैसेज किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो वेब स्क्रैपिंग के अंदर आप क्या करते हैं, किसी भी तरह के वेबसाइट से आप डेटा उठा सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या कोई और आपकी किसी भी तरह की वेबसाइट। कौन सा क्लियर हो गया? सही है। अब उन नंबर ऑफ वेबसाइट से जो डेटा उठाया जाता है, कुछ स्क्रैपिंग के टूल होते हैं, लाइक पाइथन के पास आपकी जावास्क्रिप्ट है, जेक्यूरी है या आपकी पीएचपी है, इन तकरीबन लैंग्वेजेस के अंदर क्या है, स्क्रैपिंग के टूल है। कौन सा क्लियर हो गया? और बहुत इजी है, सबसे अच्छी जो वेब स्क्रैपिंग होती है पाइथन में होती है। कौन सा क्लियर हो गया? ठीक है, ये अभी जो हम कर रहे हैं डेटा एम्बेड कर रहे हैं, यानी किसी वेबसाइट का डेटा है, वही डेटा वहीं भी रहेगा, यहां पे सिर्फ डिस्प्ले होगा, होगा उन्हीं का डेटा। कौन सा क्लियर? फिर होता है स्क्रैपिंग से मकसद उन्हीं का डेटा उठा के अपने पास किसी फाइल फोल्डर में रख देना, उसको कहा जाता है वेब स्क्रैपिंग। क्या कहा जाता है? वेब स्क्रैपिंग। फिर कहलाती है वेब सर्विसेस। वेब सर्विसेस में ये होता है वेबसाइट का डेटा इसी तरह जैसे एम्बेड करवा रहे ना, उसी वेबसाइट का डेटा हमारे पास भी शो होगा, या हम उसी वेबसाइट के डेटा को अपनी किसी दूसरी वेबसाइट, दूसरी मोबाइल ऐप पे यूज कर सकते। कौन सा क्लियर हो गया? ठीक है, कुछ होती है स्टैटिक चीजें लाइक आईफ्रेम है, जैसे वहां पे डेटा दिख रहा है एज इट इज उठा के यहां दिखा रहे, ऐसे ही है ना, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ हाँ, वो डायनामिक होगा, ये स्टैटिक है, ये चल तो रहा है ना, लेकिन एज इट इज जैसे वहां शो रहा है, एज इट इज यहां पे भी शो रहा है। हाँ, लेकिन जो आपकी वेब सर्विसेज होंगी उनमें क्या होगा, जो डेटा वहां से हम उठाएंगे उसको अपने मर्जी से डिस्प्ले भी कर सकते हैं, उसी के अंदर कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बेटा आपको सिंपल, आपको मैं दे देता हूं आइडिया। देखें, आप लोगों ने जब आईसीसी की क्या चल रही होती है, क्रिकेट चल रही होती है, चल रही होती है ना, आपने डिफरेंट वेबसाइट पे स्कोरिंग देख रहे होते, आपको क्या लगता है वो हर वेबसाइट का ओनर बैठ के खुद स्कोर अपडेट करता है? नहीं, आईसीसी की जो वेबसाइट पे अपलोड होता है ना स्कोर, वही वो स्क्रैप या वेब सर्विसेज के थ्रू स्कोर उठा के अपने वेबसाइट पे अलग अलग तरीकों से दिखा रहे होते। कौन सा क्लियर हो गया? क्योंकि इतना सारा हमारे पास टाइम नहीं होता कि बैठ के वो ऑनलाइन चीजें खुद से अपलोड करते रहो, इतना लाइव काम नहीं होता वेबसाइट्स के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वो हम क्या कर देते हैं, इसी तरह की सर्विसेज यूज कर लेते हैं। तो आई होप आपको वेब स्क्रैपिंग, वेब सर्विसेज और एपीआई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वेब सर्विसेज कह दो, एपीआई कह दो, वेब एपीआई कह दो, बात तकरीबन सिमिलर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस तरह से। अच्छा जी, ये हो चुका। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो आप किसी वेबसाइट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार यह होता है कि आप लिंक देते हैं और क्लिक करें तो वेबसाइट ओपन हो जाए। कौन सा क्लियर है? ये कैसे? फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूं, अभी मैं इसके सोर्स में पास कर रहा था तो डायरेक्ट हमारे पास वो वेबसाइट शो हो रही थी, यही था ना, लेकिन मैं चाहता हूं डायरेक्ट शो ना हो, क्या करें, नीचे किसी लिंक पे क्लिक करें और फिर आपकी वेबसाइट ऑन हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। एंकर हाइपर रेफरेंस, इसके अंदर क्या दें, वही वेबसाइट का लिंक। कौन सा क्लियर हो गया?
कि अब क्या होगा, अब डायरेक्ट शो नहीं होगा जब मैं इस लिंक या इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा बेटा, ये वाली वेबसाइट कहां ओपन होनी चाहिए, आईफ्रेम के अंदर। तो आईफ्रेम का कोई ना कोई हमें क्या रखना पड़ेगा, नाम रखना पड़ेगा। आईफ्रेम का नाम मैं रख देता हूं एबीसी। आईफ्रेम का नाम क्या रखा मैंने, एबीसी। अब आप लोगों ने टारगेट पढ़ा था, अब मैं इस एंकर टेक को बताऊंगा कि ये वेबसाइट ओपन करो, है ना, लेकिन कौन से टारगेट में। अच्छा, अब यहां पे कुछ चीजें हैं, ब्लिंक, पैरेंट, सेल्फ, टॉप। बेटा ये तीनों जो नीचे हैं इनका एक ही मतलब है कि सेम टैब में ओपन करो। ये पुराने जब वेब ब्राउज़र्स होते थे ना, ये तीनों पहले होती थी और काम करती थी। अब इन तीनों का एक ही काम है, क्योंकि न्यू वेब ब्राउज़र्स हैं वो ऑटोमेटिक समझ जाते। ये प्रॉपर्टीज HTML4 की पुरानी है, समझ में आ रहा है ना। जब वेब ब्राउज़र ओल्ड होते थे तो तब ये यूज होती थी, सही है। बाकी एक ही काम की ब्लैंक जो न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। वैसे टारगेट एट्रीब्यूट को सिर्फ इसलिए भी यूज नहीं किया जाता, टारगेट में हम ये भी बताते हैं कहां चीज ओपन करनी है। उनमें आ रहा है कुछ, यानी देखो ये चीज ओपन करनी है कब, जब इस पे क्लिक हो, लेकिन कहां, टारगेट बताओ कहां ओपन करनी है ना। तो बता रहे थे सेम टैब या दूसरा टैब, लेकिन अभी मैं इसको टारगेट बोलूंगा कहां, आईफ्रेम में। कहां इसको ओपन करना है वेबसाइट को, आईफ्रेम में। तो आईफ्रेम का नाम क्या है, तो यहां लिख दो एबीसी, दैट्स इट। समझ में आ रहा है। देखिए मैं एंकर अभी के लिए बेटा हटा देता हूं, सेव करते हैं, यहां आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखें आईफ्रेम का टैग है लेकिन कोई लिंक नहीं दी हमने। अगर आप देखना चाहते हैं क्या क्या आईफ्रेम का टैग है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और यहां पे आके देखें HTML की, वैसे कोडिंग नजर आती है आपको। इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे ना पूरी HTML की कोडिंग नजर आएगी, क्योंकि HTML क्लाइंट साइट हमारी क्या है, लैंग्वेज है। क्या है, क्लाइंट साइट, क्योंकि वेब ब्राउजर पे चलती है तो वेब ब्राउजर पे पूरा का पूरा कोड नजर आता है। कोई भी वेबसाइट हो, भले फेसबुक हो, उसका कोड नजर आता है, ठीक है। अब इसमें देखो हमने क्या किया हुआ, आईफ्रेम का कोई कोड किया हुआ है ना, यहां पे शोर है, ये देखो आईफ्रेम लिखा हुआ है ना हमने, ये पूरा का पूरा आईफ्रेम आपको यहां पे शोर रहा होगा, ये रहा कि आईफ्रेम आपने बनाया हुआ और पूरा का पूरा यहां पे शोर है। अब मैं चाहता हूं इस आईफ्रेम के टैग को, ये देखिए ये शोर है ना, आईफ्रेम यहां से ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ। अब ये एग्जिस्ट तो करता है लेकिन इसके ऊपर हमने कोई चीज डिस्प्ले नहीं की, तो मैं चाहता हूं नीचे एक एंकर रखूं जिसपे क्लिक करूं तो क्या हो, इस लिंक पे क्लिक करूं तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो, लेकिन कहां पे, एबीसी के अंदर। एबीसी किसका नाम है बेटा, आईफ्रेम का नाम। नेम एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है ना, जिसके थ्रू हम बताते हैं किसी भी टैग का नाम। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, अब भी देखें आपको आईफ्रेम में कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, लिंक पे क्लिक करने से आपकी वो वेबसाइट किस में शो होनी चाहिए, आईफ्रेम के अंदर। थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है जी, ये लोड करने में ना टाइम लगाता है। जाहिर है आपकी इंटरनेट पे डिपेंड करता है ना कि जब तक वो वेबसाइट लोड हो गया आईफ्रेम में शो हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका, कि आप किसी लिंक को देने के बाद भी क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं आईफ्रेम के अंदर। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, ठीक है जी, ये भी हो गया। अब आईफ्रेम को किसी और वे में भी यूज किया जा सकता है, ये ही नहीं है, सही है। ओके, तो अभी इसको कवर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट में कुछ पढ़ते हैं।